मैं मनीष सिंह ठाकुर, उत्तर भारतीय विकास मंच राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर भारतीय विकास मंच द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में सभी हिंदी भाषी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, कार्यक्रम को सफल बनाए, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आशा रखता हूँ कि अगले आगामी कार्यक्रम में और बढ़ चढ़ के इसी तरह कार्यक्रम को मंच द्वारा जो भी कार्यक्रम होगा सफल बनाएंगे। प्रोग्राम में कोई भूल चूक हो उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ भी है और स्वाभिमान का भी है, प्रजासत्ताक दिन भी है। और गत 24 तारीख, दो दिन पहले, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन भी था। इसी उपलक्ष में उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यहाँ कर्मभूमि और जन्मभूमि बनाए हुए हमारे उत्तर भारतीय, जो कि गुजरात की मिट्टी से घुल मिल गए हैं, ऐसे कार्यक्रम में बहुत आनंद ये आया कि अनेक भाषा, अनेक प्रांत होते हुए भी आदि अनादि काल से भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रहा है। जितनी विभिन्नता रही उतनी पुष्प की पंखुड़ियाँ खिलती रही और पुष्पदंड इतना शोभायमान हो रहा है कि आज हमें गर्व है कि आज उत्तर भारतीय लोगों ने उत्तर प्रदेश का ये स्थापना दिन मनाया और उसके लिए हमको आमंत्रित किए, हमारा सम्मान किया। और मैं खास करके इस मंच के सभी पदाधिकारी, बीरेंद्र सिंह ठाकुर से लेकर सारी टीम जो यहाँ कार्य कर रही है, वो अगले साल इससे भी ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि एक प्रसंग ऐसा बन जाए आने वाले दिनों में कि हर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय को रहने वाले जो भी हैं, वो गुर्जर धरा में अपनी मातृभूमि की तरह फूले फले और आगे बढ़ें, यही शुभकामना आज के दिन। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास उसमें किया जाए। आज प्रदीप सिंह जी ने मंच से भी कहा है और मेरी तो कई सालों से इच्छा भी है और मैं प्रकट करता आया हूँ कई सालों से। जब तक ये पूरा नहीं होगा, हमारे दिल में भी उसका रंज रहता है, इसलिए हम उसको जल्द पूरा हो, उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम साथ हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड है, पूरे भारत में चलता है। पहले जब माँ कार्ड था, ये जो वात्सल्य कार्ड था, वो नहीं चलता है, लेकिन अभी आयुष्मान कार्ड जो आया है वो पूरे देश में किसी भी कोने में चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के कोई व्यक्ति यहाँ दाखिल होता है तो उसके अकाउंट में उत्तर प्रदेश की सरकार के अकाउंट में जाएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, हम आपके साथ हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक निमित्त मानता हूँ। 1837 में पहली बार उत्तर प्रदेश बिहार से अंग्रेज गिरमिटिया मजदूरों को लेकर गए थे मॉरिशस, गयाना, फिजी, सुरीनाम। वहाँ पर जो लोग गए वो गिरमिटिया बनकर गए, गवर्नमेंट बन गए। वहाँ पर जो लोग श्रम संस्कृति के वंशज थे, मजूर बन के गए थे, उनको 5 साल के एग्रीमेंट पर लेकर जाया गया था और वो 5 साल के बाद वो वापस आते, लेकिन उनको अंग्रेजों ने वापस नहीं लाया और वो वहीं रह गए। वहीं रहकर उन्होंने उसको, उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया, वहाँ पर एक अच्छा देश बना। उस देश के बाद में प्रधानमंत्री हुए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बात के लिए आभार मानता हूँ कि जो आज भी बोलते हैं कि हमनी का बाप दादा भारत से आल रहने जा, ऐसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, को इस बार 26 जनवरी आज ही के दिन उन्होंने पद्म विभूषण का सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को दिया है। ये समस्त गिरमिटिया मजदूरों के लिए, जो लोग एक समय गए थे, उनके प्रति अपनी आस्था का प्रकटीकरण था। ऐसे श्रम संस्कृति के वंशजों के प्रति अपनी आस्था का था, जो आजमगढ़ के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग जो मॉरिशस, फिजी, गयाना, सुरीनाम गए, बाद में वहाँ प्रधानमंत्री बने, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को बुलाकर आज सम्मानित करना, ये लगता है कि आज, कल, परसों उत्तर प्रदेश दिवस था और आज गणतंत्र दिवस था, इससे बढ़िया कभी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता रहा होगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में 24 जनवरी को हुई थी, इससे पहले उसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध।
उसका शॉर्ट नेम होता था यूपी। इस यूपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री जी थे, उनकी इच्छा थी कि इसका जो यूपी स्वरूप है वो यूपी स्वरूप रहे, और इसके लिए उन्होंने जब नाम बहुत लंबा था और बदली करने की बात आई, परिवर्तन करने का बात आया, तो उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में था ये प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश पड़ा। और उत्तर प्रदेश की ये स्थापना दिन 1989 से लेकर आज तक 32 वर्षों तक हम मुंबई में मनाते रहे। वीरेंद्र सिंह जी और उनके पूरे साथियों से हमने आग्रह किया कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2 मई 2017 को इसको पहली कैबिनेट में, जब वो जीत कर आए थे, उसकी पहली कैबिनेट में आदरणीय राज्यपाल गवर्नर जो रहे राम नाईक जी के आग्रह पर, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, और 24 जनवरी 1950 के उस दिन को मान्यता देकर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। तो मैंने आग्रह किया कि गुजरात में भी होना चाहिए और जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं उनको मनाना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी और झड़पिया जी जैसे बड़े नेता आज उस समारोह में शिरकत किए, और उत्तर भारतीयों को गौरव देने वाला ये कार्यक्रम जिसमें पूरे समय तक गुजरात के नेता उपस्थित थे, और एक भव्य कार्यक्रम गुजरात की सरजमी पर हुआ। उत्तर भारतीयों का मैं इसको ये मानता हूँ कि मथुरा से भगवान कृष्ण आए थे तो वहाँ के लोगों ने उनको रणछोड़ दास कहा, लेकिन गुजरात के लोगों ने उन्हें द्वारकाधीश बनाया, और इस द्वारकाधीश बनाने के पीछे मात्र यही उपक्रम था कि जो उत्तर भारत से व्यक्ति आता है वो श्रम संस्कृति का वंशज होता है, और वो यहाँ आकर अपने श्रम से जब कुछ प्राप्त करता है तो उसका मान सम्मान भी उसको मिलता है। मैं इसलिए आज का दिन मैं इसे विशेष रूप से मानता हूँ कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में जो समारोह यहाँ आयोजित किया उसमें जितने भी उत्तर भारतीय शामिल हुए और गुजरात के सारे लोगों को ये मैसेज गया कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत एक उपक्रम शुरू किया है, जिसमें दो राज्यों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक एग्रीमेंट अनुबंध होता है, और मुझे लगता है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में एक अनुबंध विभिन्नता में एकता का, एक अनेकता में एकता का जो उदाहरण देखने को मिलता है आज यहाँ दिखाई पड़ा। उत्तर भारतीय विकास मंच के द्वारा आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिन जो गुजरात में प्रथम बार मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में 31वीं बार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ, और संजोग देखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। तो भारत का संविधान अस्तित्व में आया गणतंत्र दिन और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन दोनों एक साथ हुआ, और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमने गणतंत्र दिन के पर्व और उत्तर प्रदेश स्थापना पर्व दोनों को एक साथ हमने मनाने का ये प्रयत्न किया, और उत्तर भारतीय विकास मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पूरी तरह से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक करके जो तन्मयता दिखाई है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, तथा कार्यक्रम में जो भी महाराष्ट्र से पधारे पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के महासचिव अभिनव सिंह, एवं यहाँ गुजरात के लोकप्रिय विधायक और गृह राज्य मंत्री भाई श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, सभी मेहमानों का मैं खूब खूब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस पर्व को यादगार बनाया और हमें अपना आशीर्वचन दिया। माननीय अखिलेश्वर दास जी ने भी अपना आशीर्वचन दिया, जिसके लिए हम उन सभी महानुभावों का आदर वंदन अभिनंदन करते हैं, और आज इस पर्व पर NS न्यूज की टीम को भी हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण किया और प्रजा के समक्ष इस प्रसारण की अनोखी सुगंध फैलाने का काम किया। मैं उनको भी तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूं। धन्यवाद। आज 26 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का उत्तर भारतीय राष्ट्रीय मंच द्वारा जो आयोजन किया गया वो कार्यक्रम गुजरात में प्रथम बार हुआ है, और काफ़ी भव्य कार्यक्रम था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने इसका जो आयोजन किया
वो काफ़ी सराहनीय था, जिसके लिए हम सभी मंच के कार्यकर्ता उनके खूब खूब आभारी हैं और कार्यकर्ता की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद।